गाइस यहाँ से कालीमठ है राइट, सानघाट गुप्तकाशी सीधे केदारनाथ 49 किलोमीटर है। यहाँ पे पानी को निकालने के लिए भी हो सकता है। ओ माय गुडनेस, ये शायद मेरे ख्याल से ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा टूटा हुआ ये सारा और वो सब, मेरे ख्याल से ये सारा का सारा आपदा के टाइम का ही लग रहा है मुझे। ये गाइस 3 किलोमीटर के बाद ऐसी हालत है, अभी 12 किलोमीटर और है। ये उस टाइम पे ही पूरा उखड़ा हुआ था ना सारा? हाँ, ये उखड़ा नहीं था। अच्छा, उस समय यहाँ पे 150 दुकानें हुआ करती थी, 100-150 दुकानें। 150 दुकानें अब जो है जब आपदा आई उसके बाद यहाँ पे केवल 3-4 दुकानें रिमेन है। ठीक है, पुरानी दुकान है और टूटा हुआ है वो, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। वो देखो व्यू सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। और अभी केदारनाथ जी हैं 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5। हेलो धरती वासियों, कैसे हैं आप? तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, बाइक से जा रहा हूँ फिर से। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? केदारनाथ। तो चलिए जाते हैं। जा रहा हूँ यहाँ से रुद्रप्रयाग होते हुए और एक और जगह क्रॉस कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी पहुँच के केदारनाथ चढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। देखो 16 किलोमीटर की चढ़ाई है वहाँ पे, तो जितना जल्दी हो सके पहुँच में वो बेटर रहेगा मेरे लिए। तो गाइस ये आ गया है रुद्रप्रयाग और यहाँ से हमें कट लेना है बिकॉज हम लोग आ रहे हैं गौचर की साइड से। तो अगर आप ऊपर की साइड से बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग इस वाले रास्ते से जाएं, कर्णप्रयाग वाले रास्ते से ना जाएं, बिकॉज ये रास्ता बहुत शॉर्ट है, अराउंड 96 किलोमीटर ही था ये। और अगर आप केदारनाथ होते हुए जा रहे हैं तो बद्रीनाथ होने के लिए आपको इसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा ऊपर की साइड। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, ये मिड पॉइंट है केदारनाथ जाने के लिए। केदारनाथ और बद्रीनाथ का मिड पॉइंट है। आप अगर केदारनाथ की यात्रा करके आ रहे हैं तब भी आपको इसी रास्ते से ऊपर को जाना पड़ेगा जहाँ से मैं आ रहा हूँ गौचर की साइड से, कर्णप्रयाग फिर आएगा। दूसरा रास्ता भी है लेकिन यही रास्ते से आप जाइएगा। कीप दिस थिंग इन माइंड कि रुद्रप्रयाग के रास्ते से ही आपको केदारनाथ या बद्रीनाथ के रास्ते जाना है। तो अभी यहाँ से दिखा रहा है 400 मीटर्स के बाद कट है। ऑब्वियसली आई नो दिस कट, बचपन तो ज़्यादा मेरा यहीं गुजरा है। और रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है, ऑलमोस्ट हम रीच कर चुके हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से हमें टर्न लेना है। ये रोड यहाँ पे आई गेस काम चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा मामला ख़राब है। यहाँ से जाना है मुझे सीधे रुद्रप्रयाग आ जाएगा, यहाँ से जाना है मुझे लेफ्ट गिरा प्रवेश वर्जी सदीनाथ केदारनाथ। मौसम चलिए गाइस, अब तो सीधी सीधी रोड है, 68 किलोमीटर के बाद टर्न दिखा रहा है। गाइस जस्ट मैंने अभी अगस्त मुनि क्रॉस किया है और ये यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं। तो आगे आगे केदारनाथ मार्ग यहीं से है, इधर से गंगानगर है। वो एक्चुअल रोड जो अभी आपने देखी थी वो सिर्फ एक कवर पेज था एक बुक का, एक्चुअल बुक ये है। आई मीन टू से जो आपने अभी तक देखी थी अच्छी प्यारी थी रोड, वो एक जस्ट एक कवर स्टोरी थी आपकी। एक्चुअल धाम की यात्रा की रोड ये है, पक्की रोड है। आई होप थोड़ी तो ठीक हो रखी हो आगे, बिकॉज मैं जल्दी इसलिए निकला था क्योंकि मॉर्निंग में आफ्टर 9 o'clock मॉर्निंग में काम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अभी बरसात नहीं है तो दे विल प्रिपेयर फॉर विंटर्स, तो उसमें क्या होता है ये लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जितने भी माउंटेन जितने भी काट रहे होते हैं इनको वो स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ है कि आपको जब भी निकलना है यात्रा के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलिए, 6 o'clock 5 o'clock और जल्दी निकल सकते हैं और बेटर है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा बिकॉज
आफ्टरनून में बहुत भीड़ हो जाती है, जाम हो जाएगा, रोड का काम कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है, रोड बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी आपको साइड में जीसीसी बंद दिख रहे हैं ना, ये कुछ टाइम बाद चलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो पत्थर पड़े हैं सारे भर के ले जाना, वो सब मतलब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आपको ये समझा सकता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलिए मॉर्निंग में। बरसात में पूरी रोड बह जाती है नीचे, जो आपको दिख रही है टूटी हुई, बहुत ज़्यादा गड्ढे आ गए हैं फिलहाल। और वो शॉकर ठीक कराया था मैंने, अगेन ख़राब हो गया है, एट मीन उसने सही किया ही नहीं था। एनीवेज फिलहाल ये सारी रेत नीचे आ जाती है, काम अभी आपने पीछे देखा होगा काम चलना स्टार्ट हो गया है, बिकॉज 9 बज गए हैं आगे। यार तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ से रोड बन रही है, उसमें लगेगा टाइम, और अभी बज रहा है आपका 8:30, तो मतलब एक घंटा, मतलब काफ़ी सही स्पीड से आ रहा हूँ मैं। Later. यहाँ से कालीमठ है राइट, सानघाट, गुप्तकाशी सीधे केदारनाथ 49 किलोमीटर है। गाइस देख रहे हो 19 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें, 19 किलोमीटर देखो 51 मिनट दिखा रहा है, मतलब 19 किलोमीटर 51 मिनट में। तो गाइस आएगा से तीसरा या चौथा बैरियर मिला है मुझे अभी तक, जो रोड टूट रही है और काम चल रहा है। अब इसने यहाँ पे गिरा दिया, अब ये मलबा उठाएगा फिर जाएगा, हो गया काम 35 किलोमीटर रह गया अभी, और 36 मिनट दिखा रहा है ये सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो है वो सिर्फ 5-7 किलोमीटर दूर है, और सोनप्रयाग से जीप लेनी पड़ेगी मुझे, बाइक वहीं खड़ी करनी पड़ेगी, बिकॉज स्टैंड वहीं है उसका, पार्किंग स्टैंड वहीं है, वहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ सोनप्रयाग में पार्क करूँगा, क्योंकि भैया के जान पहचान के हैं कुछ लोग वहाँ पर, तो पुलिस में, तो वहाँ पर मैं इसको पार्क करवा दूँगा। फिलहाल अभी चलते हैं, फिलहाल रोड बहुत सही है, और मैं ये फिर से बोलना चाहूँगा आपको, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बरसात के टाइम पे ना आए, बाकी आप कभी भी आ सकते हैं। विंटर्स में तो वैसे ही बंद हो जाएगा ये अक्टूबर में, और अप्रैल मई में इसके कपाट खुलते हैं, तो मई में आप आ सकते हैं, आ जाइए। जून में भी आप आ सकते हैं, जुलाई होते होते बारिश स्टार्ट हो जाती है बहुत भयंकर, जुलाई अगस्त सितंबर तो मैं मना ही करूँगा, जुलाई और अगस्त लास्ट तक मत ही आइए, पहाड़ी से पत्थर गिरने का भय है। तो ऐसे आपको बहुत सारे मोमेंट मिलेंगे जो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं। वो देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको, ट्रक पूरा टूटा फूटा पड़ा है। ओ माय गुडनेस, ये शायद मेरे ख्याल से ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा टूटा हुआ ये सारा और वो सब, मेरे ख्याल से ये सारा का सारा आपदा के टाइम का ही लग रहा है मुझे। ये वो पूरा टूटा हुआ है, यहाँ पूरा उखड़ चुका है, मतलब जब आपदा आई थी केदारनाथ के टाइम पे, केदारनाथ में सब कुछ उखड़ गया था, वो फिर भी बच गया है आपका, वो तो नया बना हुआ दिख रहा है वहाँ पे घर जो है, लेकिन ये जो है ये सामने ये सब ट्रक ऐसे उल्टे पड़े हैं, ये 2-3 ये मुझे आपदा के टाइम के ही लग रहे हैं। उधर भी पड़े हैं ट्रक, उधर तो 2-3 और पड़े हैं, क्रेन्स पड़ी हैं 3-4, तो ये शायद ये पहाड़ ढहा था तभी ये सब हुआ है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तभी बोलते हैं कि बरसात में पहाड़ों पर सफ़र ट्रैवल नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो पहाड़ गिर रहे होते हैं। सीतापुर रह गया 6 किलोमीटर, सोनप्रयाग 8, गौरीकुंड 13, मतलब 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, केदारनाथ 30। तो एक्चुअल में केदारनाथ जो 30 दिखा रखा है ना गाइस, वो दिखा रखा है तुम्हारा पैदल, मतलब ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर है सोनप्रयाग आ गए हम। तो सोनप्रयाग में ही सारी पार्किंग हो रही है बाइक से लेके सब कुछ, तो अभी पता कर लेते हैं हम सोनप्रयाग गेरा, त्रिकुनारायण गेरा, अच्छा त्रिकुनारायण अलग
डायरेक्शन में है, 13 किलोमीटर है यहाँ से ऊपर को, और केदारनाथ का सोन प्रयाग यहाँ पे है। तो अभी मुझे को कॉल करनी पड़ेगी, तो वो बाइक पार्किंग का पता करेंगे और साथ ही साथ हेलमेट मुझे रखवाने को मिल जाएगा। भैया SDRF का ऑफिस कहाँ पे है? ऊपर खड़ी कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या सीन है। फिलहाल सीन क्या है गाइज, यहाँ बुलेट खड़ी कर रहा हूँ मैं और यहाँ पीछे से टैक्सियाँ चल रही हैं। ये तो टैक्सियों का क्या सीन है, टैक्सियों में ही आपको गौरीकुंड लेके जाएंगे, वहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा। सोन प्रयाग में हूँ मैं गाइज अभी, और यहाँ से ऊपर गाड़ी जाने नहीं दे रहे, तो सारी ये टैक्सी जो है दिखा देता हूँ आपको। वो देखो वो लाइन में लगी हुई है सारी टैक्सियाँ पूरी पीछे। तो क्या सीन है, ये जाने नहीं दे रहे हैं, और यहाँ से आपको नीचे रोक लेंगे जैसे मैंने आपको स्पॉट दिखाया था, तो वहाँ से फिर आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक। मतलब 5 से 6 किलोमीटर है यहाँ से, यहाँ से अब तक आपको ये छोड़ेगी। उतर गया हूँ मैं यहाँ से, अब चढ़ाई शुरू हो जाएगी। गौरीकुंड है, आगे दिखाता हूँ आपको कैसा है। भयंकर धूप हो रही है। मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी चलना, अराउंड 14-15 किलोमीटर है। प्रॉब्लम बस ये है कि धूप हो रही है। गाइस आपको पता है मैं कितना किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक, ऐसी हालत हो गई है मेरी। मैं चल चुका हूँ 100 मीटर, 100 मीटर के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई। तुमसे ना हो पाएगा। एनीवेज अभी फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होने वाला है। अभी मैं गौरीकुंड से जस्ट स्टार्ट हुआ हूँ 12:15 बजे, मैं ये देखता हूँ मैंने कितनी देर में पहुँचूँगा। और ज़्यादा बस वंडी फैलानी है, आराम आराम चलेगी क्योंकि बैग है मेरे पास, इट्स अराउंड 4-5 kg। तो चलिए गाइस 500 मीटर आया हूँ मैं अभी तक। क्या लिखा हुआ है, श्री केदार 15.5 किलोमीटर। से आ रहा हूँ मैं, जबकि सिर्फ 1.5 किलोमीटर आया हूँ मैं, 1.5 किलोमीटर 14:30 से 14 आया हूँ मैं अभी। 14 किलोमीटर, 500 मीटर के बाद इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं ऐसे। 1 hour later, 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर आ रहा हूँ मैं मैक्स टू मैक्स। 2 hours later, 12.5 किलोमीटर, पता नहीं क्या स्पीड चल रही है। 3 hours later, Can you move it along? I'm all out of time cards. So guys, हम लोग पहुंच गए हैं जंगल चट्टी सॉरी, थक गया हूँ तो पता नहीं चल रहा है। जंगल हट्टी है छोटा सा, अगर आपको यहाँ पे खाना पीना है तो यहाँ खा सकते हो आप। 3 किलोमीटर दूर है ये। तो गाइज 3 किलोमीटर के बाद ऐसी हालत है, अभी 12 किलोमीटर और है, 1:30 बज गया है, 5-6 बजे आरती होगी। प्लान यही था कि आरती ले सकूं, लेकिन जिस हिसाब से जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं मुझे लगता नहीं है। तो गाइस 12 किलोमीटर है भीमबारी, 2 किलोमीटर। One eternity later. So guys, finally 11 किलोमीटर रह गया अभी। Much later. श्री केदार 10.5 किलोमीटर है, स्मॉल छोटी लिचोली बेस कैंप 9 किलोमीटर है, बेस कैंप 9 किलोमीटर, भीमबाली 500 मीटर। तो ठीक है, नॉट बैड, और स्पीड थोड़ी ठीक हो गई है बिकॉज काफ़ी दिनों बाद चल रहा था। केदारनाथ अभी 10 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, जिसे देख के मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब सीरियसली, मतलब मैं एक बार पहले आ चुका हूँ केदारनाथ, क्या यहाँ पे हुआ था आपदा के टाइम पे, जब झील फटी थी और झील का सारा पानी आ गया था, लाखों लोग मरे थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि
उससे हुआ क्या है एक्चुअल में, ठीक है? वहाँ देखिए, वो देखिए, वो देखिए गाइस, फोन पे ये जो कैमरा है इस पे ढंग से दिखाई नहीं देगा आपको कि एक्चुअल में कितना बड़ा गड्ढा हो रखा है वहाँ पे। मैं दिखाता हूँ, वो दिख रहा है आपको वो एरिया, वो पूरा ऐसे ही सेम पहाड़ थे, सेम वहाँ पे रामबाड़ा था, पूरे लोग थे वहाँ पे, ऐसे सारे घर बने हुए थे वहाँ पे उस पूरे एरिया में। वो सोचो पूरा बह चुका है, पूरा ढह गया है। वो सोचो ज़रा जब बाढ़ आ गई होगी तो कितनी खतरनाक आई होगी। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो पिक्सल्स फट जाएंगे, बट यू कैन इमेजिन वो जो छेद है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप सोचो कितना ज़्यादा पानी आया होगा यहाँ से। केदारनाथ 10 किलोमीटर, रामबाड़ा 1 किलोमीटर, सो यू कैन इमेजिन ये सारा रामबाड़ा ही था जो गड्ढा हो चुका है। छोटा तिनचोली, ये पुराना बोर्ड है जो बहा नहीं है एक्चुअल में। तो गाइस मैं थोड़ा और पास आ गया हूँ उस गड्ढे के, वो रामबाड़ा है, अरे भीमबाड़ी था ये जो अभी पीछे से आ रहा था, मैं यहाँ से वो छेद दिखाया था मैंने आपको। वैकल्पिक मार्ग 1 किलोमीटर भैया, ये भैया ये कौन सा रास्ता और ये कौन सा है? ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। ये लॉन्ग क्यों है फिर? ये लॉन्ग अभी नया बना भाई। अच्छा, वो रामबाड़ा खत्म होने के बाद ये वाला है? हाँ, ये पुराना रामबाड़ा यहाँ है। अच्छा, तो यहाँ से भी पहुँच सकते हैं केदारनाथ? दोनों जगह से केदारनाथ जाना है। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेश जायसवाल है। देवेश जायसवाल जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 7-8 साल से ऊपर हो गया। तो आपने ये आपदा जो आई है ये उस टाइम पे ही पूरा उखड़ा हुआ था ना सारा? हाँ, ये उखड़ा नहीं था। अच्छा, उस समय यहाँ पे 150 दुकानें हुआ करती थी, 100-150 दुकानें। 150 दुकानें अब जो है, जब आपदा आई उसके बाद यहाँ पे केवल 3-4 दुकानें रिमेन है, ठीक है? पुरानी दुकान है और टूटा हुआ है वो, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ये जो रास्ता है ये सॉल्ट है, लोग यहाँ ज्यादा इसलिए जाते हैं क्योंकि ये पुराना रामबाड़ा है। अच्छा, ठीक। ये नया रास्ता बना हुआ है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है। ये लंबा 1.5 किलोमीटर। क्योंकि उस टाइम पे तो हमने नेट पे पढ़ा ही था, क्योंकि मैं वहां से आ रहा था जब पीछे से, तो मैंने ये देखा था पूरा उखड़ा हुआ है। मुझे उसी को देखकर डर लग गया इतना कि कैसा पानी आया होगा। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, उन्होंने जैसे बताया 150-200 दुकानें यहाँ पे थी, सब खत्म हो चुकी हैं। मतलब वो जैसे बताया उन्होंने, वो नया रास्ता बना है, ये पुराना है और ये छोटा रास्ता है। 1.5 किलोमीटर छोटा है, वो 1.5 किलोमीटर लंबा है, एक्स्ट्रा है। वो मेरा मूड नहीं है 1.5 किलोमीटर फालतू चलने का, तो इसलिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ पुराने रामबाड़े से, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या डिजास्टर हुआ था यहाँ पे। देखो जरा, डेंजरस आइटम हो रहे हैं। उस टाइम पे भाई बात कर रहा था 2 दुकानों की, ये एक दुकान, एक ये दुकान, ये 2 बच्ची हैं। आगे पूरा खत्म हो चुका है रामबाड़ा। देखो जरा आगे, देखो जरा छेद, देखो आपको दिख रहा है, ये स्लाइड्स ही होते रहे। ये पूरा, वो सारी बाढ़ आई थी उस टाइम पे। बाढ़ मतलब वही झील थी ऊपर एक, वो टूट के गिरी। लेकिन आप सोच सकते हो कि इतना खतरनाक हिसाब किताब है यहाँ का। अब ये पुल बना दिया इन्होंने तो रास्ता अलग कट गया है। लेकिन वो देखो यार, वो वहाँ से आ रहा है पानी। मतलब आप सोच सकते हो कि मंदिर के पीछे से पानी आ रहा है, तो वहाँ से कैसे आया होगा कटता हुआ, तो यू कैन इमेजिन। वो देखो पूरा स्लाइड सारा टूटा हुआ है, सब टूटा हुआ है। वो आगे पूरी दुकानें सब अचट, कोई बता पाएगा कि वहाँ पे कभी दुकानें हुआ करती थी 100-150? वो जो ओल्ड रामबाड़ा है, आप उस वाले रास्ते से जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। ये पुराने वाला रोड है, रास्ता है यहाँ तक, उसके बाद फिर ये भी नया है। तो यहाँ से चढ़ाई कुछ ऐसी हो जा रही है भाई, सीधी खड़ी चढ़ाई, जो कि पिछले 6-7 किलोमीटर में नहीं थी। तो ये डिफ़िकल्ट है मामला थोड़ा। ये देखिए, श्रीकीदार 8.5, बेस कैंप 6.5, बिग लिचोली, छोटी लिचोली। भाई ने यहाँ धूल निकल दी। गाइस 4 बज गए और मेरे मुंह में 12 बज गए। एनीवेज, अब जैसे जैसे मैं इसके पास पहुंच रहा हूँ, 7 किलोमीटर रह गया है,
तो पता क्या हो रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई है, मतलब हल्की हल्की। ये दुकान यहाँ खाने पीने का मामला सेट है, यहाँ बैठ के थोड़ी देर चाय वाय पी लेता हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी रहे बॉडी में। अच्छा है, सामने से व्यू ये रखे हैं, 6.5 किलोमीटर रहे हैं चाहिए लेकिन तो गाइज मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया चलना, 4:15 हो रहे हैं, 6.5 किलोमीटर है यहाँ से। मैंने अभी जैसे आपने देखा मैंने मैगी और चाय पी, बिस्किट ले लिया मैंने खाने के लिए रास्ते में। ऐसे टाइम पे आपको लाइट खाना चाहिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज बैंड बच जाता है वरना, क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, वॉशरूम वगैरह की भी दिक्कत होती है। तो लाइट खाइए ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और आपको एनर्जी मिलती रहे। ये देखो चढ़ाई, वो हद हो गई है यार, कितना सुंदर लग रहा है वहाँ से। एक्चुअल में वो रोड थी, मैं शॉर्टकट लेके जा रहा हूँ गाइस, इतना चलने के बावजूद, इतने शॉर्टकट लेने के बावजूद, ये देखो 6 किलोमीटर है अभी भी, यू कैन इमेजिन। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, लिंचवाड़ी पहुंचा हूँ फिलहाल मैं अभी, यहाँ से अभी भी 5 किलोमीटर दूर है। और वो बोल रहे हैं कि भाई 5 में से 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, 1 किलोमीटर बस सीधा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा चलने वाली ये रूट हो गया, बहुत ख़तरनाक है सही में, सीरियसली बहुत खतरनाक। ये देखो यहाँ से पूरी ढलान है, वहाँ से भी चढ़ाई है, क्या चल रहा है सीरियसली। लिंचोली पहुँच चुका हूँ मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हूँ क्योंकि बैग बहुत भारी हो रहा है। अभी सीधी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से देखो व्यू सनसेट कितना सुंदर लग रहा है ना। और अभी केदारनाथ जी हैं 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5। Long angry line later. ये देखो गाइस, उधर से कोहरा पूरा आते हुए पूरा ढक लिया है मंदिर को, उधर है मंदिर के पीछे, और वहाँ के बाद कितना है, तो 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अभी भी सीधी चढ़ाई है। गाइस इस टूर की ट्रिप, इस ट्रिप का मैं टिप बता दूँ आपको, एक टिप दे देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके चढ़ाई करने निकल जाना, बिकॉज कुछ ऐसा हो जाएगा नहीं तो। दिख रहा है कहीं से कहीं तक भी लाइट नहीं है, समझ रहे हो, वहाँ दिखेगी एक रोड में, कहीं भी लाइट नहीं है, खाली रिस्क मत लो, समझ रहे हो गाइस। अभी तो थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है मुझे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी 3 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, 3.5, तो मैं आपको लास्ट अब आस्ता लबीस्ता बोलता हूँ और सीधे मंदिर का ही दिखाऊंगा, ठीक है गाइस, बिकॉज देखो लाइट है नहीं यहाँ पे, कुछ दिखाने लायक बचा नहीं है। तो वैसे इसे बोलते हैं कुदरत का करिश्मा, देख रहे हो लाइट जल्दी है, वहाँ पे पूरा अंधेरा है और वहाँ पे सूरज की रोशनी है और यहाँ पूरा अंधेरा हो रखा है। कैलाश में देखो ज़रा कैसा चमक रहा है वो, ये मेरे फ़ोन का वो इफेक्ट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ये असली में हो रहा है और कैमरे में तो पता ही नहीं चल रहा है, असली में आँखों में इतना सुंदर लग रहा है वो बता नहीं सकता। Much later. कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ का, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, देख रहे हो गाइस। ये ब्लॉग गाइस आज का यहीं पे ख़त्म होता है, वो देखो वहाँ अभी भी धूप है, ऊपर अभी भी धूप आ रही है। तो गाइस ये बोनस क्लिप है आप लोगों के लिए, नाइट व्यू दिखाने के लिए स्पेशली मैंने बनाई थी, ये है नाइट का स्टे। हाँ भैया, और ये रहा हमारा किचन, चप्पल पहन लो,
इंतजाम मनोज भैया ने यहाँ करा है, यही है शायद अपना अंधेरा दिख रहा है लेकिन आपको यहाँ पे हाय स्लीपिंग बैग है यहाँ तो। एनीवे मैं स्लीपिंग बैग में घुस जाऊँ।